कर आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़। शुक्रिया यादव साहब जिला महाराजगंज से मौके पर पहुंचे हुए नगर पंचायत चौक में, और ये जिला महाराजगंज के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं कि इंटर कॉलेज, ये इंटर कॉलेज है, और आज उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का दूसरा दिन का प्रथम पाली का परीक्षा समाप्त हुआ है। शकुशल और शांतिपूर्वक परीक्षा समाप्त हुआ है। हालांकि कल इसी विद्यालय में एक सालवर पकड़ा गया था, जो अनु नाम का लड़का था। वो बिहार से वैशाली जिले के हाजीपुर गाँव का निवासी था, और वो दूसरे के जगह पर परीक्षा दे रहा था, और कल प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से और सक्रियता की वजह से वो पकड़ा गया। हालांकि जिसके जगह पे वह परीक्षा दे रहा था वो शंभारू नाम का लड़का था, जो पनेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बेलटीकरा का निवासी था। वह सलाखों के पीछे पहुंच गया है, और प्रशासन महाराजगंज जिले की प्रशासन उसे सलाखों के पीछे भेज दी है। आइए आज परीक्षा किस तरह से, अभ्यर्थियों का परीक्षा किस तरह से हुआ, परीक्षा कैसा हुआ भैया? परीक्षा कैसा गया भाई साहब? परीक्षा कुछ लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा गया है, और टफ में पूछेंगे कि आज के पेपर में टफ क्या रहा है? टफ क्या रहा भाई साहब? सब इजी था, सब इजी था। निकल जाएगा। पेपर कैसा गया? अच्छा गया। पेपर कैसा गया? बहुत। टफ क्या था? रीजनिंग भाई पुलिस वाला ज्यादा आया था, मतलब पढ़ने में टाइम ज्यादा लिया भाई। टाइम ज्यादा लगा। तो परीक्षा कैसा गया? सबसे बढ़िया सर। बहुत बढ़िया गया। क्या टफ रहा? मैथ टफ रहा। बता रहे हैं लोग कि रीजनिंग और मैथ बहुत ज्यादा टफ रहा है, और पुलिस संबंधी जो रीजनिंग में आया हुआ है बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, और पढ़ करके ही पुलिस के ही बारे में बताना है, और उसमें टाइमिंग लग रहा है कि पुलिस के बारे में किस तरह से उसको पढ़ना है, और पुलिस के बारे में ही वो क्वेश्चन रीजनिंग में आया हुआ है, और वो टाइम लग रहा है, तो उसमें जवाब देने में बड़ा टाइम लग रहा है, तो वो लोग बता रहे हैं कि टफ है। परीक्षा कैसा गया सिस्टर? टाइम बहुत कम था। कितना क्वेश्चन किए हैं आप? 106। टफ क्या रहा? टफ था ये निष्कर्ष वाला क्वेश्चन जो लास्ट में दे रखा है उसका। निष्कर्ष वाला पुलिस हाँ। तो पुलिस में जाना है तो पुलिस वाली तो जानकारी रखनी इतना भी। टाइमिंग तो थोड़ा बढ़ाना चाहिए ना। टाइमिंग बढ़ाना चाहिए था। बताइए इतना एक क्वेश्चन है उसपे 10 आप कथन दे रखे हो, और उसको पढ़ते पढ़ते पूरा टाइम निकल जा रहा है। अब बता दें दर्शकों को कि ये पुलिस की परीक्षा है, और पुलिस के ही बारे में इतना बड़ा निष्कर्ष है, उसमें चार ऑप्शन दिए रहते हैं, और पुलिस के ही बारे में पूछा गया क्वेश्चन, उसमें टाइम बढ़ाना चाहिए, इसलिए जो अभ्यर्थी हैं परीक्षार्थी हैं वो टाइम कम होने का शिकायत कर रहे हैं। परीक्षा कैसा गया? बढ़िया। हालांकि सभी अभ्यर्थी धीरे धीरे निकल रहे हैं, और सेकेंड पाली का सेकेंड मीटिंग का परीक्षा रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है, और प्रशासन हर तरफ से मुस्तैद है, किसी भी तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसीव करने के लिए अभिभावक बंधु लोग आए हुए हैं, और कुछ अभिभावक सेकेंड मीटिंग में अपने बच्चों को लेकर के आए हुए हैं, सेकेंड मीटिंग में जिनकी परीक्षा है, और वे लोग पहुँचे हुए हैं, और बड़ी शांतिपूर्वक प्रथम पाली का परीक्षा, आज उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का दूसरे दिन का प्रथम पाली का परीक्षा संपन्न हुआ है, और परीक्षार्थी कुछ खुश हैं और कुछ नाखुश भी हैं कि टाइम बहुत कम मिला, 2 घंटे का पेपर है और 150 क्वेश्चन। और पेपर कैसा गया सिस्टर? अच्छा गया। टफ क्या रहा? कोई टफ नहीं रहा, बहुत अच्छा। कुछ लोग जो है बता रहे हैं कि कोई टफ नहीं रहा, सारे क्वेश्चन उन्होंने फिलअप किया है, मेंटेन किया है, और प्रशासन भी बड़ा सहयोग कर रही है, महाराजगंज की पुलिस। हालांकि कल कड़ाई से पूछताछ करने पर एक मुन्ना भाई पकड़ा गया, और वो सलाखों के पीछे है। कोई भी इस तरह का अगर मुन्ना भाई दूसरे के जगह पे परीक्षा देने के लिए अगर वो किसी झांसे में आ जाता है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, निश्चित रूप से वो पकड़े जाएंगे, तो वो सलाखों के पीछे जाएंगे। जो भी लोग इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि आज परीक्षा का सेकेंड मीटिंग का लास्ट परीक्षा है, इस तरह का कोई भी गतिविधि करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़। शुक्रिया यादव साहब जिला महाराजगंज से।